नमस्कार, मेरा नाम सुभान ओबरॉय है। मैं कक्षा 2 का छात्र हूँ। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ जिसका शीर्षक है भागो भेड़िया आया। एक बार एक गांव में बहुत शरारती बच्चा रहता था। उसे किसी चीज की परवाह नहीं थी। वो हर रोज गांव वालों को तंग करता था। उसके पिताजी उसकी शरारत से तंग आके उसको भेड़ चराने का काम दिया। उसकी शरारत फिर भी कम ना आई। अरे यार, बहुत बोर हो रहा है, कुछ तो मजेदार करना होगा। फिर वो बच्चा जल्दी से पेड़ पे चढ़ के चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ भेड़िया आया, बचाओ, कोई तो मेरी मदद करो, बचाओ बचाओ। फिर सारे गांव वाले उसकी मदद करने आते हैं। फिर वो जोर जोर से हंसने लगता है, क्या बुद्धू बना। फिर सारे गांव वाले गुस्सा होके अपने काम पे लग गए वापस। फिर कुछ दिनों बाद उसे ये शरारत करने की याद आई। फिर वो जल्दी से पेड़ पे चढ़ के दोबारा चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ भेड़िया आया, बचाओ बचाओ। फिर सारे गांव वाले अपने काम छोड़कर दोबारा उसकी मदद करने भागे। फिर से वो हंसने लगा, आप तो बुद्धू बन गए। फिर गांव वाले बहुत गुस्सा होके अपने काम पे लग गए। उसको एक दिन एक आवाज सुनाई दी, अरे ये तो असली भेड़िया है, बचाओ बचाओ भेड़िया आया, कोई तो मेरी मदद करो, बचाओ बचाओ। फिर गांव वाले बोलते, अब हम इसकी बातों में नहीं आने वाले, ये हर रोज हमें बुद्धू बनाता है। फिर वो भेड़िया एक एक करके सारे भेड़ों को खा जाता है और बेचारा बच्चा सिर पीट पीट कर रोता रहता है। उसकी मदद करने कोई नहीं आता। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिली? कि झूठे की बात पर कोई यकीन नहीं करता। हमें झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। धन्यवाद।